मम्मी आप ये कर्टन क्यों हटा रहे हो? बेटा पता है इतने सालों से हम लोग ना गलत तरीके से पर्दे लगा रहे थे। अच्छा? अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली हम घरों में इसी तरीके से कर्टेन लगाते हैं ना। इस वाली रोड में जैसे मेरे दो कर्टेन हैं, तो दोनों अलग अलग है, जिससे क्या होता है कि बीच में ना ये गैप जैसा बना रहता है, और बार बार अगर कोई इधर से आता जाता है ना, तो इसको हमें ठीक भी करना पड़ता है, ये हट जाता है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ हम किस तरीके से हमें लगाना चाहिए। तो इस वाली रोड को मैंने हटा लिया है, और इस वाली विंडो में भी देखिए मेरे दो ही है। तो पहले तो जैसे हम आमतौर पर लगाते हैं ना, वैसे ही हमने इसको डाल देना है। अभी जो लास्ट वाली रिंग है ना, बस यहाँ पर ही मेन ट्रिक है, इसको हमें नहीं डालना है। अब जो दूसरा कर्टेन है वो मैंने लिया है, और उसकी फर्स्ट रिंग हमारी इस वाली लास्ट रिंग के ऊपर रख दिए। बस इतना सा ही हमें याद रखना है। इस तरीके से आप डालेंगे ना, तो आप देखेंगे बाद में लगाने के बाद आपको पता चल जाए कि जो गैपिंग है ना वो बिल्कुल सही हो गई है। बस आगे के तो हमें जैसे हम डालते हैं नॉर्मली वैसे ही हम डाल देंगे। तो आप एक बार सेट करके डाल दीजिए, और अगर आपको और भी आगे लगाने हैं तो वो इस तरीके से लगा लीजिए। जैसे कि आपको तीन लगाने हैं, चार लगाने हैं, आपकी रोड में जितने भी लगाने हैं आप इस तरीके से लगाइएगा। तो ये मेरे कर्टेन ना काफ़ी हैवी है, तो इसमें मेरी दो ही आ रहे हैं देखिए। तो अब मैं लगा रही हूँ और अब आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं पहले इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ, और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, 100 में से 99 लोगों को सचमुच ये बात पता नहीं होती कि कर्टेन हमें इस तरीके से लगाने चाहिए। देखिए अभी पूरी रोड में हमें ऐसा लग रहा है कि एक ही कर्टेन है, और गैपिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये टिप अगर आपको पसंद आई है ना, तो जरूर से इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपको पहले से पता थी तो वो भी मुझे